हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ रूबी। आज मैं लेकर आई हूँ सिंघाड़े का आटा का रेसिपी कि कैसे हलवा बनाते हैं और मैं कैसे बनाती हूँ आज मैं बताऊँगी। नवरात्रि में चाहे आप फास्टिंग में आटा सिंघाड़ा का आटा का हलवा खाने का बहुत ही बेनिफिट है। बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। फास्टिंग में ज़्यादातर इसे यूज किया जाता है, तो आप भी बनाइए और नवरात्रि या फास्टिंग में आप भी खाइए। तो मैं कैसे बनाई हूँ चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ हम गैस ऑन कर रहे हैं, गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई चढ़ाया मैंने। आप लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं तो बनाइए। साथ में मैंने एक और पैन चढ़ाया ताकि हमारा दोनों काम एक साथ ही हो चुके। मैंने यहाँ गुड़ का इस्तेमाल किया है, अगर आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें तो कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 चम्मच घी लगा लिए हैं और इसमें डालेंगे हम सिंघाड़ा का आटा। वजन में ये 200 ग्राम है। हम 2 से 3 लोगों के लिए बना रहे हैं, आप अपना क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा जब आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाएंगे। हमारा पानी उबल रहा है और इधर हम मिक्स करेंगे अच्छे से और हमने इसमें गुड़ डाल दिया है। हमने गुड़ बिना क्रश किए हुए डाले हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं। हमारा उधर गुड़ मेल्ट होगा, हम तब तक अपना हलवा की तरफ ध्यान देते हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच और घी डाला। पूरे हलवा बनाने में मुझे 4 चम्मच घी का इस्तेमाल करना पड़ा और इसे अच्छे से भूनेंगे। इसे तब तक भूनेंगे तब तक जिसमें इसमें से खुशबू ना आ जाए। जब इससे खुशबू आने लगेगा ना तो आपका इस तरह से दिखेगा, भूनकर ये आपका ब्राउन कलर का दिखने लगेगा। यानी हमारा हलवा भून चुका है, हमारा आटा भून चुका है। फिर हम वो गुड़ को मेल्ट किए थे उसको छान लेना है, क्योंकि गुड़ में वो रेसे रहती हैं तो अच्छे नहीं लगे। 1 कटोरी हुआ था, हमने इसमें थोड़ा सा बचा लिया था क्योंकि मेरा ज़्यादा हो रहा था। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे। अच्छे से मिक्स करना है, चलाते रहिए और जब तक चलाइए जब तक ये पानी पूरा सोख ना ले। फिर इस तरह से जब ये ब्राउन कलर के दिखने लगे, दिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन टेस्ट का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जिन लोगों को PCOD है ना, उन लोगों के लिए गुड़ का इस्तेमाल करना सही होता है। फिर इसमें हमने आलमंड डाला है, आप चाहें तो अपने मनपसंद का नट्स डाल सकते हैं। और फिर से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए मिक्स कर रहे हूँ मैं, आप भी चलाते रहना नहीं तो ये चिपक जाएगा। फिर देखिए फाइनल मेरा ये रिजल्ट आया है। फिर हमने बंद कर देना है और एक प्लेट में हमने इसे घी लगा कर रख लिया और इस तरह से आपको कर लेना है। जिस तरह से आपको जो भी राउंड शेप करना है, जिस तरह का शेप करना है आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ स्क्वायर शेप में किया है। और फिर से हम नट्स डाल रहे हैं। मुझे टोटल नट्स 15 से 20 लगा है। और फिर हमको इस काट लेना है। हमने थोड़ा बड़े बड़े पीस में काटे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बड़े छोटे कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा बनकर तैयार है।